दोस्तों आप भी शिखर धवन और रोहित शर्मा को बेहतरीन ओपनर जोड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में जहां पहला मुकाबला इंडिया बांग्लादेश से हार गई है। इस हार के बाद केएल राहुल ने बीसीसीआई के ऊपर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में सुन के आपके दिमाग में एक ही बात उठेगा कि बीसीसीआई के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बीसीसीआई के उन खराब नीतियों के बारे में बताऊंगा जिसे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली में कौन है बेहतर कप्तान, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों कुछ साल पहले की बात है, केएल राहुल सोशल मीडिया के सबसे लाडले भारतीय प्लेयर थे। बैटिंग ऑर्डर के किसी भी पोजीशन में खिलाओ वो हर पोजीशन में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे। ओपनिंग, नंबर 4, नंबर 5, यहां तक की पारे भी फिनिश कर रहे थे। धोनी के संन्यास के बाद ऋषभ पंत के लगातार खराब प्रदर्शन के चलते विकेट कीपिंग का जिम्मा भी राहुल ने संभाला। इस बीच टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बूते पर ऋषभ पंत वाइड बॉल फॉरवर्ड में भी टीम इंडिया में जगह बना लिया और राहुल को परमानेंट ओपनर बना दिया। अब बांग्लादेश के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मिली हार के बाद राहुल ने बड़ा बयान दिया है। केएल राहुल ने कहा कि मुझे तैयार रहने के लिए कहा गया। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ 4 दिसंबर को खेले गए पहले वनडे से ठीक पहले ऋषभ पंत को रहस्यमय तरीके से बाहर हो गया। उनकी जगह केएल राहुल ने विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाला। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने 73 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत के मेडिकल टीम की सलाह पर ओडीआई श्रृंखला से आराम के बाद केएल राहुल विकेट कीपिंग करने का फैसला किया। भारतीय उपकप्तान केएल राहुल ने खुलासा किया कि भारतीय टीम सिलेक्टर्स ने ओडीआई प्रारूप में उन्हें विकेट कीपिंग और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहने के लिए बोला गया था। केएल राहुल 2021 में कुछ मैचों में विकेट के पीछे भी अपना जिम्मेदारी संभाल चुका है। उन्होंने हालांकि मेहदी हसन मिराज का कैच टपका दिया जिसने भारतीय टीम को 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। केएल राहुल से जब पंत की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने थोड़ी निराश वाले भाव से कहा, हमने पिछले 8-9 महीने से ज्यादा ओडीआई मैच नहीं खेले हैं, लेकिन अगर आप 2020 को देखें तो मैंने विकेट कीपिंग की है और मैंने 4th और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी भी की है। टीम ने मुझे यह भूमिका निभाने के लिए कहा है, मैं सफेद गेंद के क्रिकेट में इस भूमिका के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऋषभ पंत को अचानक प्लेइंग 11 से बाहर क्यों कर दिया। केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह नहीं बताया कि पंत को किसी चोट के कारण टीम से बाहर हुए हैं या उन्हें विश्राम दिया गया है। राहुल ने कहा, पंत के बारे में ईमानदारी से कहूं तो मुझे आज भी पता चला है कि वो रिलीज होने जा रहे हैं। इसी कारण से जुड़े सवालों का जवाब हमारी मेडिकल टीम बेहतर तरीके से दे सकती है। साथ ही दोस्तों बांग्लादेश दौरे के लिए विकेट कीपिंग के लिए संजू सैमसंग ऋषभ पंत की जगह बढ़िया ऑप्शन था, लेकिन उनको नहीं चुना गया। और तो और दोस्तों सूर्य कुमार यादव जो कि एक बढ़िया फॉर्म में चल रहा था उसको टीम इंडिया में सिलेक्ट नहीं किया और इस बांग्लादेश के दौरे में प्लेइंग 11 से आराम के नाम पर उसे बाहर कर दिया। और दोस्तों कुछ दिन पहले ट्विटर पर कास्टिस बीसीसीआई यानी कि जातिवादी बीसीसीआई के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। लोगों का कहना है कि बीसीसीआई जाति को देखकर टीम इंडिया में खिलाड़ियों को सिलेक्शन करता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बीसीसीआई के अंदर बड़ी सुधार करने की आवश्यकता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।